नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Poco C61 versus Poco M6 Plus 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो C61 में 6.63 इंच जबकि M6 Plus में 6.64 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो C61 में 199 ग्राम जबकि M6 Plus में 205 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि C61 से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो C61 में 6.71 इंचेस जबकि M6 Plus में 6.79 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन C61 में 720x1650px HD+ और M6 Plus में 1080x2460px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो C61 में 83.34% जबकि M6 Plus में 85.26% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो C61 में 268 पिक्सेल प्रति इंच जबकि M6 Plus में 396 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो C61 में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और M6 Plus की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो C61 में 12 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और M6 Plus की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो C61 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और M6 Plus में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो C61 में PowerVR GE8320 जबकि M6 Plus में Adreno 613 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो C61 में MediaTek Helio G36 और M6 Plus में Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 मिलता है। बात करें RAM की तो C61 में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB की RAM मिलती है, जबकि M6 Plus में 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB, 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो C61 में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि M6 Plus में 3 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी C61 में 5000 mAh जबकि M6 Plus में 5030 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो C61 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 6499 रुपीस
6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 9,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें M6 Plus की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 8,799 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 13,999 रुपीस, 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 10,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो पोको C61 में 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें पोको M6 Plus 5G की तो उसमें 6 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में M6 Plus आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में M6 Plus आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो K12X 5G है, दूसरा मोटरोला H50 Fusion 5G है, तीसरा Realme Narzo N65 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें पोको F6 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।